से पहले यहाँ सिलेंडर जमीन में दबा के झूठा इफ्तिताह किया था, नीचे ऊपर पाइप दलवा दिए जी, नीचे एक सिलेंडर दबा के तो शोला जला दिया कि गैस आ गई। तो मैं सुई गैस के दफ्तर गया पहले पहले, आपसे जो पहले वाले आए मैंने थे वो आते थे दफ्तर में थरथली मच जाती, तो आप तो चुप करके आ गए। मैंने कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और वो वैद है मैंने थे जो आते थे गैस रुकवाने। अब हमारे मंशूर में हमने शुरू में कहा था कच्चे का बांध था सफर यूनिवर्सिटी, लेकिन बंद उनके दौर में बना था, लेकिन उनके दौर में अब वो फिर गिला बनता है। उनके दौर में जो बंद बना था वो हर किसी को पता है कैसे बना था, और फिर हर साल इमरजेंसी लगती थी, फिर उसके करोड़ों रुपए इमरजेंसी के नाम पे खा दिए जाते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट कील हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रही कि बखर की जो आवाज़ है उसको दुनिया तक पहुंचाएं, उसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि बखर में जो मसाइल हैं वो कैसे हल हो रहे हैं, या बखर के लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है, जो तर्ज सियासत है वो किस किस्म का है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए और उन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए कि जो आपके जहनों में हैं, जो मेरे जहन में हैं, उन सब जवाबों को हासिल करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी डॉक्टर अफजल खान ठांडला साहब को। एक इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक हैं, पाकिस्तान के जो टॉप 10 स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनमें डॉक्टर अफजल खान ठांडला साहब का नाम आता है। पिछले इलेक्शन में भी MNA रहे, अब भी MNA हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे बखर के हालात के बारे में, बखर के मसाइल के बारे में, बखर के लोगों के तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इनके किरदार के हवाले से बात करेंगे, किस हद तक कामयाब हुए हैं, किस हद तक नाकाम हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम करता हूँ बखर नेटवर्क ऑफिस में, और इंतहाई मशहूर भी हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डॉक्टर हैं, इतना नफीस शोबा डॉक्टरी का, इतना सेंसिटिव शोबा डॉक्टरी है, डॉक्टर से सियासत तक का जो सफ़र था, सियासत और एक डॉक्टर होना मेरे ख्याल में ये बड़ी मुतजाद चीज़ें हैं, तो कैसे डॉक्टर से सियासत तक का सफ़र आपने किया और कौन कौन सी मुश्किल हैं आपको? बहुत बहुत शुक्रिया शकील हैदर, आपने यहाँ बुलाया, मेरी इज्जत अफजाई की, बखर न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बखर नेटवर्क का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो आपका सवाल है कि ये असल है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से है जी। और मेरे दादा मरहूम मोहम्मद अफजल खान ढांडला, उनका नाम भी मोहम्मद अफजल खान था, ठीक है, तो वो पहली दस्तूर साज असम्बली में MLA थे जी। तब से हमारा ख़ानदान सियासत में आया है। तो फिर उसके बाद मेरे चचा मरहूम गुलाम हसन खान ढांडला 2 दफ़ा MNA रहे जी। फिर मेरे बड़े भाई जफरुल्ला ढांडला साहब ये 2 दफ़ा MNA रहे। तो सियासत में चूंकि एक आबाई सीट आ रही है तो इलेक्शन लड़ना हम लोग, डॉक्टर भी आ रहे हैं पीछे से, डॉक्टर भी आ रहे थे, नहीं डॉक्टर तो यही तो कह रहे थे कि आप डॉक्टर भी थे। लेकिन 2002 में जब ग्रेजुएशन की शर्त लगी जी, तो मेरे सवा बदकिस्मती है कि आपके खानदान में, मेरी बात किस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि मेरे खानदान में और कोई ग्रेजुएट नहीं था जो इलेक्शन लड़ सकता, ठीक है। मेरा छोटा भाई था नसरुल्ला खान, उसी वक्त उसने BA किया था जी। तो यहाँ से चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त जी, यहाँ उस वक्त नवानी शाहानी खानदान दोनों इकट्ठे थे। तो जफर भाई ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें जी। मैंने कहा जी मैं तो, मेरा प्रोफेशन है, मेरे क्लिनिक्स हैं और मेरा ख़ास शौक़ भी नहीं है। उन्होंने कहा यार मैं चूँकि मुस्लिम नून से मेरा ताल्लुक है और मियाँ साहबान मुल्क में नहीं है, तो मैंने मुकाबला तो करना है और कोई ख़ानदान में है नहीं, तो आप सियासत, आप इलेक्शन लड़ें, आपको इलेक्शन लड़ा। फिर उनका चूँकि हुक्म था मैं आ गया उसमें, तो डॉक्टरी से सियासत में आने की वजह ये थी कि ग्रेजुएशन ठीक है बाय डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, मुझे आना पड़ा। आप जो डॉक्टर थे और फिर सियासत में आप, ये सफर अदब से बड़ी दिलचस्पी लगती है आपकी, आप असेंबली में हों तब भी शेर पढ़ रहे होते हैं, आप कहीं तकरीर करने जाएं तब भी शेर पढ़ते हैं, आपने जलसे में अपनी तकरीर का आगाज किया फिर शेर पढ़ा, आपका एक शेर आप भी जानते होंगे बखर के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, अदब के साथ इतना ज़्यादा टच में आपका, इसकी वो खास वजह है कोई इश्क विश्क है पुराना जो नाकाम हो गया था? नहीं, ये शुरू से ही मुझे शेर व शायरी के साथ दिलचस्पी थी। जब मैं
सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ता था जी। उस वक्त मैं एबटाबाद में पढ़ता था, उस वक्त एबटाबाद पब्लिक स्कूल से मैंने FSC की जी। तो वो लोग बाकी कहानियों की बुक्स ले आते थे, मैं शायरी के लिए आता था पढ़ने के लिए जी। और सातवीं आठवीं में मेरी जो बुक थी, जो इस कापी में मैं अपने पसंदीदा शेर या इंतखाब लिखता था, उसमें गालिब के शेर थे। मदाने के गालिब को सातवीं आठवीं में समझना बहुत मुश्किल काम है। शुरू से शेर व शायरी से लगाव था जी। फिर वो सिलसिला उसी तरह चलता रहा। फिर मैं वहाँ अपने स्कूल में जो बज़्म अदब थी उसका प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, ठीक है, उसी शेर व शायरी की वजह से। बैतबाजी के मुकाबलों में अपने कॉलेज में जो है मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था और जीतता था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे ग़ुलाम हुर ख़ान कंदाणी जी, उनसे जब मैं यहाँ डॉक्टर बन के आया तो उनसे दोस्ती हुई। उनके तवस्सुत से सरवर कर्बलाई, अजीज़ शहद, इकबाल सोगड़ी, इन शोरा के साथ हुआ ताल्लुक बना। सरेकी शहरी, सरेकी मुशायरों में जाना, तो वो एक शौक़ उसको फिर वो बढ़ता गया। और चूँकि शहरों की सोबत में भी रहते थे और वैसे शौक भी था, फिर याद भी रहे शेर, याद भी रहे, फिर वो अपनी तकरीरों में मैं शेर पढ़ता हूँ। तकरीरों में पढ़ते हैं आप, असेंबली में पढ़ देते हैं आप, आपका जलसा हो आप वहाँ पढ़ देते हैं, आप किसी की शादी में हो आप वहाँ भी पढ़ देते हैं। आप शायरी, आप सराकी शायरी आपको बहुत पसंद है। अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को आप अपना सबसे पसंदीदा शेर कौन सा है जो सुनाना चाहेंगे? तो एक कथा है जी, हुसैन गोहर का है जी, और ये कथा मैंने अपनी जो मेरी पहली तकरीर थी असम्बली की, उसका आगाज इसी कथे से किया था जी। मुझे ज़ाती तौर पे भी पसंद है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ जी, जी ज़रूर। कि मंत की दौर आ गया है, अदीब दी गाल कौन सुन दे, कौन सुन दे। मंत की दौर आ गया है, अदीब दी गाल कौन सुन दे, इथा परस्तार सेज दे हिन, सलीब दी गाल कौन सुन कौन दे। कोई शहर होवे या होवे सहरा जी, कोई शहर होवे या होवे सहरा, गरीब की ते तो करबला है, गरीब भावे हुसैन होवे, गरीब दी गाल कौन सुन। बहुत आपके यही शेर बहुत वायरल भी हुआ था और मुझे ज़ाती तौर पे भी खुद बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर साहब, अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में आप शेर पढ़ते हैं। कुछ अर्सा पहले आपका एक जलसा हुआ, उस जलसे में भी आपने शेर से ही अपनी जो तकरीर थी उसका आगाज़ किया, लेकिन उस जलसे में सियासी मुखालफीन पर जिस तरह से तनकीद की गई, जिन अल्फाज में तनकीद की गई, जिस लहजे में तनकीद की गई, शुरुआत आपकी जानिब से नहीं थी, इससे पहले अब्बास चौक पर जो हुआ उसमें भी यही कुछ हुआ था। आप कंडेम्ड करते हैं या आप समझते हैं कि जो आपके जलसे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई वो जवाब देने के लिए ठीक थी, या आप मज़म्मत करते हैं? देखिए, बात यह है कि ऐसी ज़बान कोई भी पसंद नहीं करता जी, ना हम पसंद करते थे कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए करें, लेकिन क्योंकि ये जो हमारी गुफ्तगू थी वो जवाब में थी, जवाब दिया है आपने, जवाब दिया उनको उनकी बातों का जो वो कर चुके थे, एक तरफ उनकी लगा के देख लें। तो फिर उस तरह से जब जवाब देता है बंदा, वो कहते हैं ना कि आप किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहें तो कोई आपके सच्चे खुदा को बुरा नहीं कहेगा। अगर आप जिस लहजे में बात करेंगे और फिर सियासी जलसे में करेंगे तो सियासी लोग, उन्हें जवाब तो देना है। हालांकि वो जो गुफ्तगू है, जो ज़बान है, वो ना हमारे ग्रुप का वतीरा है ना हमने कभी अपनी तकरीरों में इस्तेमाल की है, ठीक है। तो वो लेकिन उनका जवाब चूंकि देना था जी, तो वो फिर उसी जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उनके जवाब में वैसे ही अल्फाज आ सकते थे। अब उन्होंने अगर गालियाँ दी हैं तो उनको आगे से दुआएं नहीं दी हम लोगों ने, नहीं दे सकते। तो वो मकसद है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन आगाज़ उनकी तरफ से हुआ है, और ये कोई गुफ्तगू ना उनकी मैं कहता हूँ कि ठीक थी ना हमारी ठीक थी, लेकिन ये सिलसिला चलना नहीं चाहिए। बस जो हो गया वो काफ़ी है, ख़त्म हो जाना चाहिए, आप कंडेम करते हैं। लेकिन मैं इस बात को इस हवाले से कंडेम करता हूँ कि इस किस्म की गुफ्तगू अच्छी नहीं होती, नहीं होती अच्छी। आप यानी कि आप चाहते हैं कि ये उस तरफ से भी रुक जाए, आपकी तरफ से भी रुक जाए। जलसे में आप ही के ग्रुप के MPA आमिर अनायत खान शाहानी साहब,
मीडिया के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए कि ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, जिसके बाद मीडिया ने ब्लैकआउट किया आपका, जिसके बाद मीडिया ने आपका आप यानी कि इजहार नाराज़गी किया। आपको लगता है कि आमिर अनायत खान शाहानी ने जो मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए वो बेबुनियाद थे या मीडिया जो है वो तंग करने में मुलव्वस था? देखिए जी, अब चूंकि वो बात मीडिया के लोगों और आमिर अनायत के दरमियान थी जी, तो अगर वो तंग हुए होंगे तो इस हद तक गए हैं जी, ठीक है। तो लेकिन चूंकि मेरे दरमियान और मीडिया के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं थी जी, तो मैं उसका इस तरह से आमिर ही जवाब दे सकता है कि भाई वो असल हकैक क्या थे। मैंने भी कभी उससे नहीं पूछा कि असल हकैक क्या थे ना डिसे, क्योंकि जिस दिन जलसा हुआ उसे अगले दिन मैं इंग्लैंड चला गया था। अच्छा, जलसे से अगले जलसे से अगले दिन इतवार को मैं यहाँ से जी बखर से चला गया था। सोमवार की सुबह मेरी फ्लाइट थी इंग्लैंड की 10 बजे। उन दिनों में उन्होंने लेकिन भारत सहाफ़ी सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, बखर के शहरी हैं, हमारे भाई हैं जी, हमने हमेशा इज्जत और एहतराम किया है सहाफ़ियों का। और ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला ने उसी जलसे में बाद में आके आमिर की तकरीर के गदनफर की तकरीर के बाद ये फिक्र आके कहे कि सहाफ़ी हमारे भाई हैं, हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है जी, तो उन्होंने तो हमें भी नहीं बख्शा, ज़फ़र भाई को भी नहीं बख्शा। तो ये मगर कुछ रिवायात होनी चाहिए, सहाफ़त में भी रिवायात होनी चाहिए, ठीक है, अगर उसमें जो है ना पर्सनल नहीं होना चाहिए पर्सनल। और फिर जो है हकैक सहाफ़ी का काम है कि हकीकत को लिखें आप जी, तो ऐसे ना लगे कि मकसद है किसी को हिट किया जा रही है या किसी की पगड़ियाँ उछाली। भारत वो सहाफ़ी हैं, उनकी अपना एक फील्ड है जी, उनकी मर्जी जो लिख रहे हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी, हम तो यही दुआ दे सकते हैं। रशीद अकबर खान नवानी साहब हों अपने जलसे में या सईद अकबर खान नवानी साहब हों जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दोनों ने ही अपनी जो जब उन्होंने तकरीरें की या जब बात की तो उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया कि जो ढांडला ग्रुप के जो एक नौजवान हैं ज़मीनों पर कब्ज़े करने में मुलविस हैं, लोगों के पीटर चोरी करवाने में मुलविस हैं, कातलों को रहजनों को प्रोटेक्ट करने में मुलविस हैं, पुलिस थाना कचहरी में जो हैं वो जो मुलजिमान होते हैं उनको बचाने के लिए वो आगे आते हैं और उनके डेरे पर जितने भी मंशात फरोश होते हैं, जितने भी पीटर चोर होते हैं, जितने भी मोटरसाइकिल चोर होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है उन्हीं के डेरे पर, कितनी हकीकत है इसमें? अब सबसे पहले तो मैं ज़मीनों की बात कहूँगा जी, उन्होंने कहा कि गनू छीना और अली खान ढांडला ने जमीनों पे जमीनों पे यहाँ से लेके भरेड़ी तक, हालांकि एक कनाल जमीन की एक कनाल पिछले 5 साल में या इस 5 साल में या जब भी हमारा इक्तदार रहा है, एक कनाल हमारा मुखालिफ ग्रुप साबित कर दे कि हमने सरकारी अलाट करवाई है या अली खान ने करवाई है। गजनफर छीना ने उल्टा, चूंकि इनके कब्जे थे लाटों पे, जब गजनफर छीना इकतदार में आया है उस वक्त खवानीन के 12 के 15 लाटों पे नाजायज कब्जे थे। किसके? हमारे सियासी मुखालफिन के, नवानी बरादरान जी, ठीक है। तो गजनफर छीना ने आके वो कब्जे छुड़वाए हैं और असल हकदारों को हक दिलवाया है, ठीक है, समझे नहीं जी। वहां नाजायज काश्त होती थी जमीनें, वो जाके छुड़वाई हैं हुकूमत के हवाले किए, ठीक है, यानी कि हुकूमती ज़मीनों पे जो कब्जे थे वो छुड़वाए हैं ना अली खान ना गजनफर, कोई अगर है तो सबूत ले आए कि ये जमीन जी इन्होंने अलाट करवाई, ठीक है ना, एक ले आए सबूत, कोई एक कमाल का भी, जमीन यहाँ से लेके भरेड़ी तक तो नहीं। और कब्जे के हवाले से ये लोग मशहूर हैं, हम लोग नहीं हैं। और जहाँ तक चोरों का, बदमाशों का और डाकुओं का ताल्लुक है, जब इनका दौर था, पीटर चोरों का भी जब इनका दौर था, उस वक्त तो इनकी सरपरस्ती में कच्चे में कोई शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकता था, चकूक में नहीं सफ़र कर सकता था। हमने तो अपने 5 साल दौर में आके उन बदमाशों का, उन चोरों का कल्ला कामा किया है, आज तक हमने एक चोर की सिफारिश नहीं की। रोज बल्कि अब जो छोटी मोटी चोरियां हो रही हैं, हम डीपीओ से कहते हैं कि चोरों को डंडा दें, ठीक है, चोरों को पकड़ें, उनसे माल बरामद करें। और हमारे दौर में चोर पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं, हाँ, इनके दौर में तहफ़ुज़ होता था और एक गैंग बना के अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे,
ठीक है, ये चोर उचक्के, चोर उचक्के इकट्ठे करके तो उनको कहते थे जी के करें। भारत ये जाती किस्म के इल्ज़ाम हैं, दुनिया अच्छी तरह जानती है। अब लोग जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है जी। कि चोरों और बदमाशों का तहफ़ुज़ कौन करता था, डाकुओं का तहफ़ुज़ कौन करता था, और चोरों से लोगों को बचाता कौन है। आप रिकॉर्ड निकलो आके देख लें उस वक्त के इनके चोरियों का और डाकुओं का और हमारे दौर के, फर्क फर्क होगा। होगा, बिल्कुल ठीक है। साफ फर्क होगा। गैस के हवाले से आपका आपके जो मीडिया फिर मीडिया हाउस है आपकी, गैस के हवाले से कहा गया कि जी 11,000 तक आप लोगों ने कनेक्शंस दिए हैं बखर के आवाम को, जबकि दूसरी ही जानिब मोहल्ला ढांडा जो चौक, ये कौन चिश्ती सी चौक, चिश्ती चौक के साथ मोहल्ला ढांडा जो है, वहाँ के शहरी जो हैं वो तो एहतजाज पर मजबूर हैं कि हमारे मोहल्ले में गैस नहीं है, नहीं कनेक्शन नहीं है, और ऐलानात होते हैं जी हमने 11,000 से ज़्यादा। जब आप अपने अहली मोहल्लेदारों को गैस फराहम नहीं कर सके हैं, किस तरह कह सकते हैं आपके हमने दूसरों को गैस? उसमें बात यह है कि जब मैं इक्तदार में आया, पहले तो ये कहते हमारे दौर का मंसूबा था, जी वाकई इनके दौर का मंसूबा था, अच्छा, गैस लाए थे नवानी, इन्होंने बिल्कुल इनके दौर ठीक में है आई थी। ठीक है। लेकिन आई कैसे थी कि इन्होंने पहले इलेक्शन से पहले यहाँ सिलेंडर ज़मीन में दबा के झूठा इफ्तिताह किया था, किसने पाइप डलवा किया के, पता है सारे मीडिया में उस वक्त बात आई थी कहाँ पर किया था ये, किसने इधर, ये किया था? गडोला गडोला रोड के ऊपर ही कहीं इन्होंने किया था, अच्छा नीचे ऊपर पाइप डलवा दिए, जी, नीचे एक सिलेंडर दबा के तो शोला जला दिया कि गैस आ गई है, तो ये किसने किया अभी उस था? वक्त नहीं आई थी। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जब इनके पूरे 5 साल दौर में जी 1/10 हिस्सा भी शहर का जो है ना इन्होंने पाइप नहीं बिछवाया, ठीक है। इनकी अपनी कोठी तक और इनके चंद चहेतों की कोठियों तक गैस थी गैस थी, जी, चंद लोगों की, और कोई 100, 200, 300 कनेक्शन भी थे उस वक्त। ठीक है। फिर मेरा जब दौर आया तो मैं सुई गैस के दफ्तर गया पहले पहले कि मैं इस गैस का देखूंगी क्या हो सकता है। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भाई MNA हैं, मैंने कहा जी, तो रूलिंग पार्टी के, मैंने कहा जी, तो कहाँ से, मैंने कहा बखर से, उस वक्त NA 74 होता था कि NA 74 से, मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने बुलाया, कहते हैं जी आपसे जो पहले वाले MNA थे वो आते थे दफ्तर में, थरथली मच जाती थी, थरथली बच जाती हाँ, थी। तो आप तो चुप करके आ गए। मैंने कहा यार मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ और आया हूँ खुद देखने के भाई क्या प्रोसीजर क्या होता कहते है, हैं वो वैद MNA थे जो आते थे गैस रुकवाने गैस रुकवाने, रुकवाने अच्छा, कहते उन्होंने कहा जी आप वो नक्शा उठा के ले, खैर वो नक्शा उठा के ले, उधर रेड सर्कल लगे हुए थे इस एरिया में गैस नहीं लगेगी, इस एरिया में गैस नहीं लगेगी, और अच्छा मोहल्ला ढांडला उसमें रेड सर्कल था। मोहल्ला ढांडला में भी रेड सर्कल था, ठीक है मैंने कहा अच्छा यार मैं ना लगवाने में, मैं तो लगवाने आया हूँ। जी खैर अल्लाह के फजल, वो जो अफसर था वहाँ पे कोऑर्डिनेटर था, वो को जिल्द का मरीज़ निकला है, जब उसने बताया ना मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, जी उसने कहा मुझे नुस्खा लिख दें। जी वो खैर मैंने उसे नुस्खा लिख दिया, जब अगली दफ़ा मैं गया तो उसे आराम आया, तो मेरा मुरीद बन गया, मुरीद हो गया आपका। फिर उसकी अल्लाह ताला उसे खुश रखे, उसने मेरे इतने जाब ऑर्डर लगवाए जी अपने दौरे के दार में कि मैं पिछले जो 5 साल दौर मेरा था जी उसमें तकरीबन 90% शहर के अंदर मैं गैस पाइपलाइन बिछवा दिया था, ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड है, बल्कि लोग कहते थे कि इतना तेजी से सुई गैस का काम कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ जितना आपके दौर में। अब लैया में हमसे 20 साल पहले से आई हुई है, आधे शहर में अभी उनका गैस नहीं पाइपलाइन नहीं बिछी, आधे शहर में मैंने अपने 5 साल दौर में 90% पाइपलाइन बिछवाया, और 10% जो अभी रह गया उस पर भी काम शुरू है, कि मेरा वादा था लोगों से कि इंशाल्लाह ताला गली गली कूचे कूचे में गैस आ पहुंचेगी। और मैंने अपने दौर में 10-11 हज़ार कनेक्शन दिलवाए, लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी कनेक्शन नहीं लगे, बखर बहुत बड़ा शहर है जी। तो उसमें लग रहे हैं, जितनी तेज़ी से मैंने लगवाए हैं किसी ने नहीं लगवाए थे। जितनी तेज़ी से आपने गैस कनेक्शन लगवाए, जितनी तेज़ी से आपने लोगों के घरों के ऊपर मीटर लगवाए, उतनी ही तेज़ी से गैस बखर से गायब होती चली गई।
कुछ इलाके हैं जहाँ गैस होती है, कुछ इलाके हैं जहाँ नहीं होती। वो बखर के बहुत सारे शहरी कहते हैं पटड़ी की एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ गैस नहीं है। गैस जब नहीं होती तो दोनों तरफ नहीं होती, दोनों तरफ नहीं होती। हाँ, वो असल मसला ये है कि हमारी गैस करक से आ रही है जी। ये क्योंकि पिछले सर्दियों में भी बुरान था, उससे पिछली सर्दियों में भी बुरान था जी। तो मैंने फिर मिनिस्टर से कहा, फिर हमने पूरी जो MD को बुलाया जी, वहाँ जो इनका ऑपरेशंस के GM ऑपरेशंस हैं उनको बुलाया, तो वो पता चला कि जो हमारी करक से लाइन आ रही है जी, वो कुछ हिस्सा उसका इलाका गैर में से गुजर रहा है, जहाँ से ये पैदा हुई है, वो जिसको इलाका गैर हम कहते हैं, जैसे फाटा से, फाटा का कुछ हिस्सा है। तो वहाँ चूँकि गवर्नमेंट ने गैस सप्लाई नहीं की उन लोगों को जी, उन्होंने अपने नाजायज़ कनेक्शन लगा दिए जो मेन लाइन है उसके अंदर, ठीक है, उन्होंने उस मेन लाइन को डैमेज कर दिया है, डैमेज किया हुआ है। हाँ, अब उसमें अगर फुल प्रेशर के साथ गैस छोड़ते हैं तो वो गैस सिस्टम से बाहर चली जाती है, वो जितना प्रेशर ले सकती है उससे भी हाफ पे चल रही है। तो वो जब डेरा इस्माइल खान आगे है वो निकाल लेते हैं तो वो मजीद कम हो जाता है प्रेशर, और सर्दियों में वैसे भी प्रेशर कम होता है गैस का, तो इसलिए। लेकिन फिर इसको हमने मसले को कहा कि इसका क्या हाल है जी। फिर KP की गवर्नमेंट से हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके आप जो है ना कनेक्शन लीगलाइज करवा दें और उसके पैसे आप दें, ठीक है। वो अब KP की गवर्नमेंट ने को 3 अरब रुपए के करीब बने हैं जी, वो पे किए हैं स्वीग गैस को, और वहाँ अभी पिछले महीने जो वज़ीर आला है उनका KP का, वो इफ्तिताह करके गया वहाँ लाइनें बिछाने का, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में इस साल में मसला हल हो जाएगा और अगले साल से ये प्रेशर की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी वो किसी के बस की बात नहीं है, अगर विद इन महकमे के अख्तियारात में भी होती जी तो तब भी, क्योंकि मुझे उसका एहसास है मैं करवा लेता। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले साल के प्रॉब्लम नहीं होगी। बखर का बहुत बड़ा एरिया थल पर मुश्तमिल है, रेत पर मुश्तमिल है, और जो थल केनाल एक बनाई गई थी मुशर्रफ दौर में उसको गेम चेंजर का नाम दिया गया था, अनफॉर्चुनेटली उस पर काम रुक गया, उस पर काम आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब हालात मवाफिक आ चुके थे, आप पिछले 5 साल भी रहे, आप अब भी हुकूमत का हिस्सा हैं। थल केनाल के हवाले से आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको क्या लगता है कि थल केनाल को चलवाने की ज़रूरत नहीं है, या थल केनाल के लिए आप कुछ कर नहीं सक रहे हैं? मैं आप मेरी पिछले 5 साल की तकरीर उठा के देख लें असम्बली से, बल्कि मैं आपको दे दूँ, कोई मेरी तकरीर ऐसी नहीं होगी जिसमें मैंने थल केनाल का जिक्र ना किया हो, ठीक है। लेकिन इस पे सिंध को इतराज़ था, सिंध वाले बात नहीं करने देते थे। फिर मैंने एक दिन उनको चुप कराया, मैंने कहा यार आप मेरी बात सुन लें, हमें थर की प्यास का एहसास है, आप भी थल की प्यास का एहसास करें जी, मेरी बात तो सुने जी। तो मैंने कहा यार एक मनसूबा है जिसपे अरबों रुपए, 15 अरब रुपए अब तक 20 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं जी, तो उसको अब कंप्लीट तो होना चाहिए जी, ये कि वहीं रोक दिया जाए और वो डूब जाए जो सारा नेटवर्क बनाए। तो बहरहाल पिछले 5 साल तो हम उसके लिए कुछ ना करवा सके, लेकिन इस साल में मैं शुक्रगुजार हूँ PTI की गवर्नमेंट का, जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, कि उन्होंने 23 अरब रुपया लिख रखा है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो कि इसकी जो ब्रांचेज रह गई हैं वो भी बनेगी जी, और इसका कमांड एरिया जो मकसद नाले बनने हैं, खाले बनने हैं, ठीक है, वो सारे बनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर ज़रूर है और थल के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा इससे, इससे रिलीफ मिलेगा। और ये आपको लगता है कि ये अब काम काम शुरू हो जाएगा? तो क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ जी, अगले कई एक साल लगता है, 2 साल काम शुरू तो हो जाए ना, काम शुरू अल्लाह करे काम शुरू हो जाए, हमारे थल के जो गरीब आवाम है उनका भी भला हो जाएगा। आपके मंशूर में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी और शोर भी बहुत ज़्यादा मचाया गया था कि जो बखर का सकाफ़ती विरसा है, दिलकुशा बाग को खूबसूरत बनाया जाएगा, दिलकुशा बाग में जितनी भी खामियां, जितनी भी कमियां हैं पूरी की वो ख़त्म कर दी जाएंगी जी। आपने 2013 के इलेक्शन में जो मंशूर था उसमें आपने ये बात बड़े ज़ोरों शोर से आवाम तक पहुंचाई थी, अनफॉर्चुनेटली 2013-2020 दिलकुशा बाग की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दिलकुशा बाग में जो मेरे ख्याल में पूरे बखर में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ग्राउंड जो फुटबॉल के लिए था
दिलकुशा बाग के साथ जो मुंशी बना हुआ है वो था, उसकी हालत भी इतनी ख़राब है कि वो वहाँ खेलने वाले खिलाड़ी जब खेलते खेलते गिरते हैं तो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड में घास नहीं लगा हुआ, पक्की जगह है। आपको एहसास नहीं होता है या आपको तकलीफ़ नहीं होती है कि एक तो सकाफ़ती विरसा हमारा ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, दूसरे बखर के नौजवानों के पास खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं हैं, फैसिलिटीज नहीं हैं, और जो हैं वो भी इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं या जो नौजवान हैं उनके लिए खेलना मुमकिन ही नहीं है। तो आपको कभी एहसास नहीं हुआ, या आप हमेशा से ही जैसे वादे करते आए, दावे करते आए, इसी तरह फ्यूचर में भी वादे और दावे होंगे? उसमें एक गुजारिश है कि किसी चीज़ से भी हमने सरफे नज़र नहीं किया, हमारे इल्म में भी है, कोशिश भी कर रहे हैं जी। मैंने कुछ 16 ग्राउंड्स मंजूर, प्ले ग्राउंड्स मंजूर करवाए थे मुख्तलिफ, अपने हलके के मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, जिसमें से दिलकुशा बाग भी है, ठीक है। उसके पिछले साल फंड्स नहीं रिलीज़ हो सके, इस साल हो जाएंगे जी। स्पोर्ट्स वालों ने कहा है प्ले ग्राउंड तो वहाँ पे, वो जो आपका फुटबॉल ग्राउंड है बड़ी अच्छी हालत में, वहाँ इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। लेकिन ये जो दिलकुशा बाग है ये ज़िला कौंसिल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो क्योंकि ज़िला कौंसिल में अभी तक ज़िला कौंसिल रही हैं, वो ज़िला कौंसिल के ही इस पे फंड लग सकते हैं। हमारा सकाफ़ती वर्षा है और उसको ज़रूर प्रिजर्व होना चाहिए और वहाँ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ हमारी कोताही, कुछ ज़िला कौंसिल वालों की कोताही कि वो अभी तक डेवलप नहीं हो सका। ऐसी जगह को ज़रूर डेवलप होना चाहिए, और अब चूँकि ज़िला कौंसिलों के लोकल कौंसिल्स के सेटअप्स तब्दील हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जिसके अंडर वो आएगा हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको डेवलप होना चाहिए। ठीक है, ज़िला कौंसिल के अंडर आता है तो फिर आपने मंशूर में क्यों लिखवा दिया? हाँ, हमारा तो मंशूर यही था कि मकसद है ज़िला कौंसिल, क्या पता उस वक्त कौन जीतता है। अच्छा अच्छा, अगर हमारा चेयरमैन आ जाता तो हम उसे कहते कि भाई बनाओ, बनवा दें। आप उम्मीद पे आपने, हाँ, कि मतलब आप इसलिए कि भाई वो होना चाहिए। मंशूर तो ये देता है कि ये चीज़ें होती हैं हमारे फ्यूचर के लिए, कि ये चीज़ें बखर के लिए ज़रूरी हैं और होनी चाहिए जी। अब हमारे मंशूर में हमने शुरू में कहा था कच्चे का बांध था सफ़र, ठीक है, तो वो हमने 93 करोड़ की लागत से बनाया। बखर की सीवरेज थी, यूनिवर्सिटी बंद उनके दौर में बना था, लेकिन उनके दौर में अब वो फिर गिला बनता है कि उनके दौर में जो बंद बना था वो हर किसी को पता है कैसे बना था, कैसे बना था आप बता दें। समझे, वो इनका और शादी खैर साहबान का ठेका था, सिर्फ मिट्टी रेत वहीं से उखाड़ के बना दी गई। वो जब भी पानी आता था तो हर साल इमरजेंसी लगती थी, और फिर हर इमरजेंसी उसके भी पैसे खा लिए गए, ठीक है, ठेके ठेकू में, और फिर हर साल इमरजेंसी लगती थी, फिर उसके करोड़ों रुपए इमरजेंसी के नाम पे खा लिए जाते थे। हमने फिर इसकी स्टडी करवाई आके ना, ठीक है, जब हम आए इक्तदार में तो हमने कहा कि ये तो कच्चे की ज़मीन सोना उगलने वाली ज़मीन है, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, स्कूल हैं, सड़कें हैं, तो ये सारा जो है ना दरिया का कटाव हो रहा था और दरिया खा रहा था ज़मीनों को, बल्कि जैसे ही पुल क्रॉस करता था उसका रुख बखर की तरफ हो गया था, ठीक है। फिर हम आए, फिर इसकी हमने स्टडी करवाई, इनका स्टडी सेंटर है एक स्पेशल हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कि वहाँ वो दरिया का नक्शा बना के उसी तरह उसमें पानी छोड़ते हैं, ठीक है। फिर वो टेक्निकली कहते हैं कहाँ कहाँ इसके हम सपर्स बनाए ताकि इसका रुख तब्दील हो, ठीक है। वो 15 लाख रुपए उस पर स्टडी पे लगे थे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, तो वो हमने स्टडी करवाई, फिर उसके मुताबिक इसका स्ट्रक्चर बना बाद में, और पत्थर से बना, ठीक है, जो पहले निवानी सबान के दौर में बना था वो रेत का बांध था वहीं से, जो इन्होंने ट्रैक्टरों से ऊपर खड़ा कर, और वो पायदार नहीं था, पायदार कहाँ था। अच्छा अच्छा, वो रेत की दीवार ही साबित होता था जब भी पानी उस पर आता था। तो फिर बना, जैसे ही पहला स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हुआ उसी वक्त दरिया का रुख तब्दील हो गया। अब उसका जो बाकी हिस्सा रहता है उसके लिए भी हमारी कोशिश है, अभी रहता है 1/3 हिस्सा बखर की बाउंड्री तक, ठीक है, उसके लिए भी हमने फंड्स मंजूर कराए थे, लेकिन फिर टेक्निकली उन्होंने कहा कि हमें 2-3 साल देखने दें दरिया का क्या बिहेवियर है, उसके बाद हम देंगे, ठीक है, जो बांध है आगे। कुछ स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए थे, ठोकरें सी बनाई,
उस उनसे भी खैर फ़ायदा हुआ जहाँ जहाँ कटाव था। उसके बाद सीवरेज का था, वो मुख्तलिफ मरहल में से होती हुई स्टे आर्डर्स, टेक्निकल वजूहात, आखिर वो मंजूर हुई, उस पर काम शुरू हो गया। काम जारी है, वो भी अरब का मनसूबा है। यूनिवर्सिटी का सब कैंपस हमारे दौर में तो नहीं बना था, लेकिन हमने वो तजवीज़ दी थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब बुलाया था यहाँ पे इजलास कि मैं बखर से MPA बनाऊँ तो क्या क्या दूँ, तो मैंने उसमें तजवीज़ दी थी। एक डिप्टी सेक्रेटरी आए थे उनके, जो इस इलाका को डील कर रहे थे, कि सब कैंपस दे दिया और मेडिकल कॉलेज थे। इसका क्रेडिट भी लिया जाता है, लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं आपको जिनकी तजवीज़ थी मेरी, वो क्रेडिट लेने वाले ना, वो जो क्रेडिट लेते हैं उन्हें कहें आप 21 साल ठीक है बिला शिरकत गैर इक्तदार में रहे, हुक्मरानी करते एक डिग्री कॉलेज आपने नहीं बनाया है? तो आपके जहन में मेडिकल कॉलेज की सोच आ सकती है, ठीक है, जिसके जहन में डिग्री कॉलेज की सोच ना आई हो जी, तो वो मेडिकल कॉलेज का कैसे सोच सकते हैं। हम आए हैं, अच्छा फिर इनको ना इतनी भी नहीं, मकसद एक हया होती है, शर्म होती है, कि साथ वाले हलके में मस्ती खैर ने 8 डिग्री कॉलेज बनवा लिए थे जी। उसी दौर में ये जब MNA MPA इधर थे, मस्ती खैर उधर था, तो इन्होंने एक भी ना बनवाया। यहाँ इधर एक में डिग्री कॉलेज बना था, वो हफीज़ खान मरहूम ने बनवाया था मनखेरा में जी। अब हम आए तो हमने 5 डिग्री कॉलेज बनवाए अपने पिछले 5 साल का, ठीक है, 12 हमने और मंजूर करवाए जो पाइपलाइन में, उन्होंने कहा ये बन जाए तो और हम आगे चलेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस दौर में 12 और भी मंजूर हमने करवा लिए थे, फिर वो रुक गए कि भाई ये पहले 5 कंप्लीट हो जाए तो फिर वो 12 भी बन जाए। तो मकसद है कि हमारी तो सोच थी कि हमने यहाँ तरक्की लानी है, इनकी सोच थी कि हमने लोगों को पसमांदा रखना है ताकि लोग सवाल ना कर सकें, लोगों को अपने हकूक़ का पता ना हो, और हम थाने कचहरी की सियासत से लोगों को दबा के रखें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग अपने हकूक़ को भी जानते हैं और वो थाने कचहरी की सियासत भी ख़त्म हो गई। अब सियासत है रवैये की, खिदमत की और तरक्की की। तरक्की की सियासत है, रवैये की सियासत है, खिदमत की सियासत है, ये आप आए गेम चेंज किया आपने जब आप जब मैं आया 2013 में आए। मैं जब आया तो मैं आया साथ आमिर था, पढ़ा लिखा। अच्छा आप खुशी 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 के बारे में क्या कहते हैं जब आप 2013 में जीते? देखिए जी, 2013 में तो मुझे इनकी खुशी हुई पहली दफ़ा जीते। हाँ जी, उस वक्त अहमद नवाज खान थे मेरे मुकाबले में, क्योंकि रशीद अकबर खान साहब नायल हो गए थे, तो फिर वो कवरिंग कैंडिडेट थे। तो बहरहाल 2018 में मुझे खुशी भी हुई है, थोड़ा अफसोस भी हुआ है कि रशीद अकबर एक बुजुर्ग आदमी है और मुझसे हारा है। खैर थी मेरी, क्योंकि एक दफ़ा मैं उनसे एक इलेक्शन हार चुका था जी 2008 का, कि मैं उन्हें मैदान में उन्हें भी शिकस्त दूं, ठीक है, लेकिन एक तरफ अफसोस भी हुआ कि बुजुर्ग आदमी है, चलो खैर है हमारी को फिर इलेक्शन ला लेते चलो अल्लाह ताला उनको कुछ रखे सेहत दे जी। तो बहरहाल खुशी ज़रूर होती है जीत के, अब मैं कहूँ कि खुशी नहीं होती, किसको नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हुआ मुझे कि यार थोड़ा सा दुख भी हुआ, सफेद रीश है। हाँ जी, चलो हम जीत जाते तो मुंडे खुंडे थे उस वक्त। तालीमी इदारों की बात हो रही है, आपने कहा कि हमने तालीम के लिए बखर में तालीम को आम करने के लिए, बखर के जो नौजवान नस्ल है तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हमने मेहनत की, कॉलेजेस लेके आए, यूनिवर्सिटी कैंपस लेके आए, थल यूनिवर्सिटी जो आपका ग्रुप कहता है कि हम मंजूर करवा के लाए। MPA सईद अकबर खान नवानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि थल यूनिवर्सिटी के लिए जब हम कोशिश कर मैं कोई उन्होंने अपना क्रेडिट लेते हुए मैं कोशिश कर रहा था, तो मेरे साथ उन्होंने एग्री किया कि मेरे साथ जो मुखालफीन है आपकी बात की कि आप लोग भी थे और हमने मिलकर थल यूनिवर्सिटी के लिए ये वो एक इजलास की बात करते हैं जी, जो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हुआ था या सरगोधा हुआ था, कि वहाँ गजनफर भी था, आमिर भी था, ये भी थे MPS का, वहाँ सब ने बात की कि बने उससे पहले, ये तो हमारा सफ़र यूनिवर्सिटी बनाने का तो उससे पहले का है। अच्छा, जैसे ही सब कैंपस बना था जी, आप मेरी तब की तकरीरें उठा के देखें जी, पहली पहली तकरीर उठा के देखें जब मैं MNA बन के गया, कि सब कैंपस को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, ठीक है, ये जो 2013 का इलेक्शन जहाँ मैं जीत के गया जी, जैसी जो बजट तकरीर थी उससे अगला जो बजट था उस बजट तकरीर में पहली तकरीर, और हर तकरीर में मैंने कहा है मेडिकल कॉलेज दें, यूनिवर्सिटी दें फुल फ्लैश जी। तो वो चलो असल बात तो ये है कि
क्रेडिट ये होता है कि एक चीज़ बन गई है बखर के लोगों के लिए जी। मैं क्रेडिट का नंबर स्कोरिंग का शौकीन भी नहीं हूँ, मैंने कभी चेक नहीं किया कि मेरी किसी स्कीम पे बोर्ड लगा है नहीं लगा, बस बन गई है यार, लोगों को सहूलत मिल गई है। लोग खुद बहुत अच्छे जज होते हैं, लोगों से अवाम से ज़्यादा अच्छा जज कोई नहीं होता जी। वो खुद जज करते हैं कि कौन सा नुमाइंदा उनके लिए क्या कर रहा है, ठीक है, किस नुमाइंदे ने उनके लिए क्या किया है जी। क्योंकि झूठ आजकल नहीं चल सकता, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोच सकता था कि बकर यहाँ बैठ के हम इंटरव्यू दिया करेंगे टीवी से, तो अब ये इस दौर में कहाँ झूठ कहाँ छुपता है। हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं पहले के, ठीक है, इनसे पहले के, ठीक है, के यूनिवर्सिटी के लिए हमने तक उधर, बाकी ये तो क्रेडिट ऐसी बातें सियासी नंबर स्कोरिंग होती है, मैं उसका ख्याल नहीं। अरे आपने जब जलसा किया ना, आप कह रहे हैं कि झूठ आवाम जो होती है सबसे बड़ी जज होती है, झूठ आज झूठ जो है वो ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता, तो ये आवाम ने ही आपके इस झूठ को बेनकाब किया कि आपने सिटी हॉस्पिटल दिखा के और जच्चा बच्चा सेंटर दे दिया। जच्चा बच्चा सेंटर क्या होते हैं, अस्पताल नहीं होती, पहले से ये बताए। उसका नाम सिटी अस्पताल इसलिए पड़ गया कि आमिर वहाँ पे अस्पताल की कोशिश कर रहा था कि कोई वहाँ पे, क्योंकि वो पुरानी अस्पताल सिटी अस्पताल वहाँ पे होती थी जी, वो जगह पड़ी थी, बहुत से लोगों की नज़रें थी कि किसी चीज़ तरह से उसको हड़प कर। तो आमिर अनायत ने शुरू से कोशिश की कि भाई वहाँ पे एक सिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर अब हुकूमत का था कि क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है वो मदर चाइल्ड हेल्थ पे दी जा रही है, तो इस हुकूमत ने मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर बनाने हैं, अस्पतालें बनानी हैं, वो सेंटर नहीं है अस्पतालें हैं, ठीक है। जैसे मियांवाली में 200 बेड की बन रही है, ये 40 बेड की बन रही है, ये इसने अपग्रेड होता है 200 बेड तक, ठीक है, तो वो अस्पताल ही होती है, ठीक है। तो वो उसको नाम चाहे आप सिटी अस्पताल कह दें, ठीक है, चाहे उससे जच्चा बच्चा सेंटर कह दें, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम जच्चा बच्चा है। एक तो जो माँ होती है बच्चा जन्मने वाली, तो सबसे बड़ी इमरजेंसी वही होती है जो बच्चे पैदा होते हैं, और छोटा बच्चा जिस वक्त पैदा होता है सबसे बड़ी इमरजेंसी उसको सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, तो अगर उसका बना है तो उसका अस्पताल ही बन रहा है ना जी। तो उसको चाहे आप सिटी अस्पताल का नाम दे दें, उसको जच्चा बच्चा सेंटर है वो अस्पताल ही, ठीक है, और बच्चों के मराज के लिए और औरतों के मराज के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड भी होगा, बिल्कुल होगा, 200 बेड तक ले जाएंगे, 200 बेड तक आप ले जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। आप दावे, आपने हर जलसे में भी दावे किए, आपके जितने भी बयानात आते हैं आपने उनमें भी दावे किए कि हमने बखर की सियासत का रुख मोड़ दिया, हमने बखर को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया, हकाइक कुछ और हैं, वो हकाइक ये हैं कि आप बखर की किसी सड़क पर चले जाएं, आप बखर के किसी रोड पर चले जाएं, आप बखर सिटी के अंदर सड़कों पर सफ़र कर लें, आप देहातों में चले जाएं, आप थल की सड़कों पर चले जाएं, बदतरीन हालत है सफ़र, बारिशों के दिनों में तो मोटरसाइकिल पर सफ़र करना मुमकिन ही नहीं रहता। इतनी ख़राब हालत में जब बखर मौजूद है, बखर की सड़कें मौजूद हैं, तो इन हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ जो हैं किस तरह आवाम अवेल कर सकेगी जब टाइम पर पहुंच ही नहीं सकती। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जो रास्ता जा रहा है इतना ख़राब है कि लोग कहते हैं कि हमारे पेशेंट्स तो वैसे ही मर जाते हैं पहुँचते पहुँचते, दरिया खान से पेशेंट ने बखर आना हो इतनी बुरी हालत है कि वो पेशेंट्स का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है, थल से आने के लिए रास्ते नहीं हैं, जो कच्चा है कच्चे के रास्ते सारे ख़राब हैं। सीवरेज का मसला ठीक है, आप कहते हैं सीवरेज का मसला हल हो जाएगा, लेकिन सड़कें तो आप बना सकते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं बनी, नाकामी है आपकी उसमें। मैं कहूँगा कि नाकामी नहीं है जी, क्योंकि बहुत सी सड़कें हमने बनाई हैं, ठीक है। आप जब हमारा पहला आप दौर देखें हम आए थे उस वक्त झंग बखर रोड नहीं बना था, सबसे बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला था, और काफ़ी अरसे से था, काफ़ी 8 सालों से था। और वो क्यों नहीं बना था उसके पीछे भी जो स्टोरी है हर बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मुखालफिन की ये गिला कर रहे हैं, चलो मैं नहीं कहता, थोड़ा सा हिंट दे यही है कि वो ठेकेदार जो इनकी दोस्ती की भेंट चढ़ा अभी छूट के आया है, अल्लाह ताला उसे नहायत शगुफ्ता तबीयत का अच्छा आदमी, अजीज़ुल्लाह हमारा भी दोस्त था, फिर वो इनका दोस्त हुआ तो इनकी दोस्ती से
हुए तुम दोस्त जिसके, फिर दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, समझ गए। तो इन्होंने उसे इस मैच पे बेचारे को पहुंचा दिया, वो इसी सड़क की भीड़ चढ़ा था जी। तो वो बहरहाल हमने आते ही ये बनाई, उस वक्त हैदराबाद से बखर तक आने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए थे, ऐसे ही था ठीक है जी, बेशक इस वक्त 40 मिनट में बंदा पहुँचता है ठीक है जी। ये हमारा रोड है जी, आप यहाँ से चले जाए जहान खान, जहान खान से डबल रोड जा रहे आगे ठीक है, वहाँ से फिर आगे कारपेट रोड जा रहे हैं ठीक है, चकूक में हमने रोड दिए ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कच्चे में अब आप जाए ना तो बहुत से रोड्स पे काम हो रहे हैं, आप बेहल से जाएं हफ्साबाद, वहाँ कारपेट रोड बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है ठीक है, 6 किलोमीटर बन गया, ADP की स्कीम है जी, आगे भी बनेगा। नोतक से मिठू रोड जो है, मिठू वो तो खैर आपका हल क्या, वो तो बनाएंगे, देखिए नहीं वहाँ लोग रहते हैं ना जी, मेरे लोग तो दरिया खान बखर रोड पे भी रहते हैं। अच्छा, दरिया खान बखर रोड ये झंग रोड का हिस्सा है जी, तो ये अब लिटिगेशन चल रही है, ये मंजूर था जी, दरिया खान तक मंजूर था ठीक है, ये ठेकेदार हैं मलिक रियाज साहब थे, पहले भी MNA थे अब भी हैं, तो उन्होंने इसको कंप्लीट करके देना था, उनकी महकमे के साथ लिटिगेशन चल रही है, वो इस वजह से रुके पड़े हैं काम ठीक है, जो इसका काम थोड़ा सा रुका हुआ है जी, तो वो भी हल हो जाएगा, तो उसको भी देखें, ये पैच तो बंदे देखते हैं जी, वो हैदराबाद से बखर तक भी देखें ना कि ये बना है नहीं, वो उससे कोई किसी को हमारे हमारे अच्छा, फिर जब हम पिछले 5 साल में थे, ये पूरा जो आपका सर्कुलर रोड है या जिसके जी मैंने कारपेट करवाए ठीक है, अब उनके कुछ पैचेस खराब हैं अभी तक जी, लेकिन ये जो सर्कुलर रोड था, मकसद जिसको मैं सर्कुलर रोड बोलता हूँ, जो ये चिश्ती होटल से आ रहा है जी, फिर इस फाटक से होता हुआ ये, फिर रेलवे स्टेशन वाला रोड होता हुआ, फिर उधर से उस फाटक से मिलते हैं, ये भी हमारे दौर में अभी बने ठीक है, ठीक है जी। फिर ये एक जा रहा है सीधा रोड जो कसरे जैनब से लेके जहीर उतरा की कोठी तक, ये भी कारपेट मैंने करवाया, इस पर भी बंदा चल नहीं सकता था जी, ये भी अब आके मैंने करवाए, सारे बखर शहर के बाजारों में टफ टाइल लगवाया मैंने, जो कि ख्वाब देखते थे हम कभी के यार हमारे शहर में भी टफ टाइल लगेगी ठीक है, जब किसी बाजार में हम जाते थे वो मैंने लगवाई, काम हुए हैं, लेकिन मसाइल इतने ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा गड़बड़, इतने फंड्स अल्लाह ताला की जात दे, अब हमने अपनी मकसद अरबों रुपए के फंड्स लगाए हैं ठीक है। अच्छा, जो आपका वापडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, 3-4 अरब का काम हुआ है आपके वापडा के इंटरेस्ट भर के, मैं इससे भी ज्यादा हुआ होगा मेरे पिछले 5 साल दौर में ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, ठीक करने में, ठीक नया लाने में नहीं, ठीक करने, ठीक करने, 8-10 नए फीडर बने, 2 ग्रिड स्टेशन पे काम हो रहा है, एक चीना ग्रिड स्टेशन है वो अगले इस उस तक कंप्लीट हो जाएगा, एक सराय मुआजिर के पास ग्रिड स्टेशन बन रहा है ठीक है, 56-56 करोड़ का एक है, बन रहे हैं ठीक है। अच्छा जी, ये एक आपकी लाइन आई है, पहले आपको कोटद्दू से आती थी, कुंदिया से लेके आए हैं बखर को कनेक्ट, डुअल कनेक्शन मिले, ये आप लेके आए हैं, हम ले आए थे ठीक है, और दौर में आइए। अच्छा जी, सब डिविजनल 3 ऑफिस मैंने अपने हल्के में बनवाए ठीक है, 2 डिवीजन बने उस दौर में, दरिया खान डिवीजन अब अलहदा हो गया जी ठीक है, वो उस MNA को क्रेडिट जाता है, लेकिन हिस्सा तो बखर में ही हुआ है ना जी, तो मकसद ये चीज़ें लें, 3-4 ज़रूरी बैंक मैंने बनवाए ठीक है, मकसद ये चीज़ें, मैंने पासपोर्ट ऑफिस हम लेके आए, पासपोर्ट ऑफिस पैसे आपको दरिया खान जाना होता था, अपना डेरा इस्माइल खान या सरगोधा जाना पड़ता था जी, अब वहाँ रोज के कितने 100 पासपोर्ट बन रहे हैं ठीक है, तो लोगों को सहूलत है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे वेमेन एम्पावर सेंटर है जिसमें कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, 120 सीट है उसकी, 3-3 महीने को मुफ्त हो रहे हैं हाँ, तो वो ले आया हूँ, ऐसी चीज़ें आई, बहुत सी चीज़ें आई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रहती हैं ठीक है, सारे मसाइल तो हल नहीं हो गए जी, पता नहीं कब हल होंगे, कोशिश जारी है, लेकिन देखिए ये बेसिक नीड्स हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, रोड्स जो हैं, रोड्स बेसिक, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो बेसिक नीड है, बेसिक नीड, अगर रोड जहां पहुंच जाए वहां हर तरक्की पहुंच जाती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम ठीक कर रहे हैं, अभी उन पे काम जारी है रोड्स पे, लेकिन सबसे महंगा आइटम रोड है, 1 करोड़ में 1 किलोमीटर नहीं बनता ठीक है, ये महंगा 3 आइटम है और बहुत ज्यादा फंड्स लगते हैं, आप कोशिश, अच्छा अब जो है ना ये
था हमारा, हमारे दौर में ये जो आपका नोतकबेर रोड है ये सारा टूटा हुआ था, मैंने मुरम्मत करवाया था। ठीक है, उस वक्त हमने MM रोड भी मुरम्मत करवाया था, लेकिन चूंकि MM रोड पे बहुत हैवी ट्रैफिक जाती है, सारी नेटो की सप्लाई MM रोड से हुई है, तो टूट फूट का शिकार है, फिर ख़त्म हो गया। अब ये मंजूर हुआ है तो अब अल्लाह करे बन जाए, लेकिन उससे पहले उसकी मुरम्मत भी हम करवा रहे हैं कि चलो चलने के काबिल हो जाए। ठीक है, तो ये MM रोड के हवाले से, MM रोड ये है कि उसका अप्रूवल हो गई है जी, लेकिन अभी उसका प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, काम शुरू हो जाएगा उस पर इसी साल, इसी साल इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। ना हुआ तो मैं आपसे इस साल के बाद में कुछ सवाल आपसे, मैं कोई यही स्पेकुलेशन है कि जरूर हो जाएगा। ठीक है, कभी अब जो चीजें हो नहीं जाती, हाँ जी, उनका बंदे को इस तरह से नहीं वादा करनी चाहिए, जरूर हो जाएगा जी, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगा जरूर। सियासत पर अगर बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, और जो आपके सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने जो अपने कैंडिडेट है शुएब रशीद अकबर खान नवानी, उनको सेलेक्ट किया है, एक्टिव भी हो गए हैं वो, मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने अब तक कोई अपने जो आने वाले इलेक्शन में अपने कैंडिडेट के हवाले से कोई ऐलान वगैरह किया? देखिए, एक तो मैं शुएब रशीद अकबर के हवाले से कहूँगा कि हमारे बेटू की जगह मोस्ट वेलकम, ठीक है, नई और पढ़ी लिखी क़यादत सियासत के मैदान में आनी चाहिए, क्योंकि ना पुरानी सियासत रही है ना पुराने लोग उसमें चल सकते, ना पुराना तर्ज सियासत रहा है, तो मोस्ट वेलकम, हमारे बच्चों की जगह है और अच्छी बात है, अच्छा इजाफा है। पहले भी इनका एक नौजवान अहमद नवाज खान आया था, वो भी अच्छा इजाफा, हमने कहा था आई एम मोस्ट वेलकम, वो तो मतलब अवाम फैसला करेंगे कि उनका क्या सियासत में कैसे रहा। तो हमारे तो नौजवान इस इलेक्शन में उनका कुलीदी किरदार था, हमारी जो कंपेन थी, ठीक है, चार पांच नौजवान हैं जो ऑलरेडी इन हैं जी, उसमें सुहेल खान है, सुहेल तो सईद परवेज का जो बेटा है सुहेल अली खान, वो है, नईम इकबाल है भतीजा, अजमल खान है, बाकी मेरा बेटा हसन है, वो भी सियासी सियासत में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सारे इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है जी। हमारी जो कंपेन थी, चार पांच हमारे नौजवान सियासतदान थे, डॉक्टर आमिर इकबाल है, वो खैर वो प्रोफेशनल है, वो अपनी डॉक्टरों की उसमें बना है, लेकिन उसने अभी अपनी क्वालिफिकेशन इम्प्रूव करनी है। शुक्र है कि हमारी ये, क्योंकि मैं खुद सियासत की भेंट इसलिए चढ़ गया कि ग्रेजुएशन ग्रेजुएट नहीं था, आपकी फैमिली कोई ग्रेजुएट नहीं था, अब शुक्र है कि कोई बच्चा हमारा ऐसा नहीं है जिसने MSc ना की हो, जिसने डॉक्टरेट ना की हो, जिसने लॉ ना किया हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं हमारे ख़ानदान में जो पढ़ा ना हो इस नई नस्ल में हमारी, और ये अच्छा इजाफा है आने वाले। फिर ये होता है जिसमें गट्स होते हैं वो खुद आगे आ जाता है, ठीक है, गट्स वाला, गट्स वाला बच्चा जो भी होगा, जिसमें कोई गट्स होंगे, जिसमें करंट होगा वो खुद आगे आ जाएगा, और ये लोगों ने फैसला करना होता है, ठीक है, कि कौन उनकी सही तर्जमानी कर रहा है, तो लोग ही ले आते हैं आगे, ठीक है, लोगों के वोट से बंदा। आखिर सवाल करना चाहूँगा आपसे बखर के किसानों के हवाले से जी। किसानों को पिछले जो सीज़न था उसमें जो चने की फसल थी बड़ा नुकसान हुआ शदीद बारिशों की वजह से, हुकूमत ने बहुत सारे ऐलान भी किए कि किसानों की मदद की जाएगी, अनफॉर्चुनेटली बखर के जो मुंतखब अराकीन असम्बली हैं उनकी तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए, किसानों के मसाइल के हल के लिए कोई भी सामने नहीं आया, जितने भी अराकीन असम्बली थे किसी ने किसानों के जो है उनके जो तकलीफ थी उसको कम करने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई ऐलान नहीं किया। किसानों को, गरीब किसानों को आप अपने माशरे का हिस्सा समझते भी हैं या नहीं? देखिए जी, एक तो यही है कि जितने सियासतदान हैं सारे किसान भी हैं, तो इसलिए ये तो नहीं कहना चाहिए कि किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो किसानों के लिए करना है वो अपने लिए भी करना है, तो हर किसी ने आवाज़ उठाई है, लेकिन ज़रात को हमारे मुल्क में, और ये बदकिस्मती है हमारी, ठीक है, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि ज़रात को वो अहमियत नहीं दी गई, ना पिछले दौर हुकूमत में ना इसके शुरू में जो हमारा ये दौर हुकूमत है, जो उसे चाहिए, ठीक है। अब एक टास्क फोर्स बनाई है ज़रात की असम्बली में, जो बड़े काश्तकार MNA हैं उन पर, तो वो एक मरतब किया है उन्होंने रोड मैप,
ठीक है, उस पे अमल करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इमरान खान ने ऐलान किया है। और अभी रिसेंटली उन्होंने DAP पे जो टैक्स माफ़ किया है वो 400 रुपए का टैक्स है, वो 400 रुपए कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इस 400 में ये भी एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, बहुत सी चीज़ें हैं जो किसानों के लिए होने वाली हैं। और हमारे मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, अगर इसने सर्वाइव करना है, तो इससे हमें ज़रात को अहमियत देनी होगी। ठीक है, अगर ज़रात को हम अहमियत नहीं देंगे तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसान, क्योंकि ये ज़रात इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी ख़राब हो तो वो क्या चलेगा, नहीं चल सकता। और इसलिए ज़रात को फोकस करना इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। जो मैंने हर अपनी तकरीर में किसानों की बात की है, और ख़ास तौर पर थल के किसानों की, मैंने तो ये भी कहा है कि थल के किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएँ, उनके कर्जों पे सूद माफ़ किया जाए। और ये चीज़ें कहीं पे हुई भी हैं, कुछ बकर के किसानों को कुछ रिलीफ मिला था कि कर्जे उन्होंने मौखर कर दिए थे, हाफिज़ज़ा करार दे दिया था थल को, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल उनके वो कर्जे माफ़ होने चाहिए जी। मैंने बल्कि ये कहा है कि अगर एक सनतकारों के अरबों रुपए के कर्जे माफ़ हो सकते हैं, तो किसानों के लाखों के या करोड़ों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ हो सकते। जितने प्रोजेक्ट्स आपका ग्रुप लाया, शाहानी साहब आपके साथ हैं, छीना साहब आपके साथ हैं, आप तीनों का जो ग्रुप है, जितने प्रोजेक्ट्स आप ले आए, अगर आपके साथ जो आपके मुखालफीन हैं, क्योंकि अब सब हैं तो PTI का ही हिस्सा ना, अगर वो भी आपके साथ होते या आप उनके साथ होते, तो आपको नहीं लगता कि बकर के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था? अनफॉर्चुनेटली असल बात यह है कि काश हमारे मुखालफीन ने अपने 21 साल दौर में कुछ किया होता, ठीक है, तो अब हम कुछ और कर रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने 21 साल दौर में कुछ नहीं किया, कोई एक बदल, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में मैंने कहा है कि मैं अपने अरबों के मंसूबे हाथों पे गिनता हूँ, इधर इससे शुरू हो जाए कि कतरी अस्पताल है, अरब का मंसूबा है, ठीक है, झांग बखर रोड अरब का मनसूबा है, बखर की सीवरेज अरब का मनसूबा है, यूनिवर्सिटी साहब कैंपस, फिर नई यूनिवर्सिटी अरबों का मनसूबा है, दानिश स्कूल अरबों का मनसूबा है। अच्छा, आगे आप आ जाएँ कि अगर ये MM रोड बनता है, ये अरबों का मनसूबा है, ठीक है, ठीक है जी। थल के नाल के लिए 1,000,000 रुपए रखे गए, कच्चे का सुपर बंद 1,000,000 रुपए में बना है, ठीक है, बखर की सीवरेज 1,000,000 रुपए की है, ये 8-9 प्रोजेक्ट्स हैं 1,000,000 रुपए के, छोटू को मैं नहीं गिनता, ठीक है। 300-400 देहात, 350 देहात को मैंने पिछले दौर में बिजली दी, 350 देहातों को बिजली दी, छोटे छोटे, मैं इनको गिना ही नहीं मैंने, अभी 150 देहात की मैंने बिजली दिया, जिसके खंभे अभी डाले जा रहे हैं, 150 की अभी मैंने दी है, 300 की तो अभी इन्हीं 2 सालों में हो जाएगी, आगे भी देखेंगे, जो बिजली जैसी बेसिक ज़रूरत है जी। तो मैं अपने मुखालफीन से कहता हूँ कि अपने दौर का पिछले 25 साल एक मनसूबा बता दें जो 1 अरब से ज़्यादा हो, कोई एक मनसूबा बता दें कि जिसकी ग्रांट 1 अरब से ज़्यादा हो, ठीक है। मैंने तो 7 मनसूबे गिन दिए ना जो अरब से ज़्यादा है जी। ये अपना कोई एक मनसूबा बता दें। जाते जाते प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते सियासी मुखालफीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें यही कहूँगा कि आजकल ना इंतकाम की सियासत चलती है, ना धौंस धांधली की सियासत चलती है जी। बखर के लोग नहायत ही शरीफ नफ्स लोग हैं, नहायत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनसे मोहब्बत करें, इनकी खिदमत करें, और इनकी तरक्की के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें। और बखर की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली यंग जनरेशन और अवाम को, MP MNA हैं आप, सरपरस्ती कर रहे हैं बखर की आवाम की, बखर की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बखर की आवाम और यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे? एक तो मैं अपने यंगस्टर्स को कहूँगा कि तालीम हासिल करें, ठीक है, तालीम हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तरक्की का, और ज़िंदगी में शॉर्टकट्स ना ढूंढें, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती, उसका पूरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है, मुश्किलात से भरा होता है, कामयाबी ऐसे तो नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, मेहनत करें। बखर के अवाम के लिए मैं कहूँगा कि मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ, उन्होंने मुझे 2 बार मुसलसल MNA मुंतखब किया, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका, चाहे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं अगर सोने की सड़कें भी बना दूँ तो मैं समझूँगा कम है, बखर के लोगों का इतना एहसान है कि वो मैं नहीं उतार सकता, और मैं उनकी मोहब्बतों का भी मकरूज हूँ, उनके एहसान से
दबा हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं जितनी उनकी खिदमत कर सकूँ करूँ, इनके इस इलाके की तरक्की के लिए जो कुछ कर सकूँ मैं करूँ। आप इलाके की लोगों की तरक्की के लिए जितना कर सकेंगे करेंगे। बखर नेटवर्क की कोशिश है कि बखर नेटवर्क अपने जो बखर की आवाम है, इनके जो मसाइल हैं, जितना सामने ला सकता है लाए, बखर की आवाम की जितनी आवाज़ बन सकता है बने। तो क्या कहना चाहेंगे इस नई डेवलपमेंट के बारे में जो बखर में, बखर नेटवर्क की सूरत में सामने आई? मैं बल्कि बहुत ही मुतरफ हूँ कि बखर नेटवर्क में बहुत थोड़े से अरसे में बहुत बड़ा मकाम कमाए, और उसमें आपकी पूरी टीम का और ख़ास तौर पे आपका जो अंदाज़ तकल्लुम है, अंदाज़ गुफ्तगु है, अंदाज़ प्रेजेंटेशन उसको मैं कहूँगा, वो बहुत पसंद है। बल्कि मैं उस दिन आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा कि यार ये किसी भी जो जितने बड़े बड़े चैनल हैं उनके जितने न्यूज़कास्टर्स बैठे हैं, हमारा जो अपना बखर का बच्चा है ये उन सबसे ज़्यादा काबिल है। तो हमें फ़ख्र है आपकी टीम पर, आपके इस नेटवर्क पर, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि बखर के मसाइल को कम करने में, उनको उजागर करने में आप लोग हमारे लिए मशाल राह बने, हमारी रहनुमाई करें, जहाँ हमारी ख़राबियाँ हों उनकी निशानदेही ज़रूर करें। क्योंकि जो तनकीद बरए तामीर होती है मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, और कभी मैं किसी तनकीद करने वाले सहाफ़ी से कभी नाराज़ नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुआ कभी। मैं बल्कि कहता हूँ कि अच्छी बात है तनकीद करें, लेकिन तनकीद करते हुए भी जो शाइस्तगी का एक दामन है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। किसी की इज्जतें उछालना, किसी की पगड़ियाँ उछालना, वो मेरे ख्याल में किसी तरह से भी जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ, अल्फाज के चुनाव में भी एहतियात कर ली जाए जी। तो क्योंकि जो अल्फाज का जख्म है ना, वो कहते हैं कि तलवार से भी गहरा होता है, कभी नहीं भरता। तो अल्फाज ऐसे चुनेंगे कम अज़ कम किसी के जज्बात को मजरूह ना करें, किसी के जज्बात को मजरूह ना करें। MNA रहे बखर के काफ़ी अरसा तक रहे, और अब चूंकि वो अपोजिशन में हैं तो अपनी तकरीरों और तकरीरों के दौरान, बयानात के दौरान आप पर एक बड़ा एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला हैं, किसी खुशी पर गए हुए हों, किसी की वफात पर गए हुए हों, किसी की कुलखानी पर गए हुए हों, या किसी को भी मिल रहे हों, उनके चेहरे पर जो स्माइल है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट नहीं जाती है उनको। वो शायद वो ये चाहते हैं कि आप ये मुस्कुराना छोड़ दें, क्या कहेंगे इस बारे में? रशीद अकबर खान साहब बादशाह बने हैं, बुजुर्ग हैं, तो अल्लाह ताला ने मुस्कुराता हुआ चेहरा नसीब किया है मुझे, ठीक है जो है। तो मैं कभी किसी की मौत पे तो नहीं, मैं आज तहर शाह हमारे बड़े प्यारे कौंसलर थे उनके बच्चों के पास गया हूँ, तो लामहाला मेरी आंखों में आंसू थे जब मैं उनके जिक्र कर रहा था। इस तरह हमारे एक और बड़े दरीना दोस्त पुराने कौंसलर ताज खान लिशारी, उनकी मौत पे गया हूँ तो मैं रोया हूँ। तो इंसान कब नहीं रोता, वो मेरे रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछ, मेरा मजलसी तबस्सुम मेरा तर्जमा नहीं है, ठीक है। तो उन्हें यही पैगाम है कि अल्लाह ताला हर किसी को हंसता मुस्कुराता रखे, तो लोगों से मुस्करा के हंस के खंदा पेशानी से पेश आना चाहिए। शुक्र है मैं उनकी तरह लोगों से पेश नहीं आता जैसे वो लोगों से पेश आते हैं। अवामी खिदमत महाज की जो रिप्रेजेंटेटिव है सोशल मीडिया टीम, मुतमईन हैं आप अपनी टीम की कारकर्दगी से? क्योंकि कभी कभी तनकीद करते हुए वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं, सियासत है तनकीद है, लेकिन कभी कभी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जाते हैं जो शायद आपको भी अच्छे ना लगते हो, यार इस तरह के गिने हुए। मैं एक तो अपने जो सोशल मीडिया टीम है उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारा जो मीडिया एडवाइज़र है फ़हीम अहमद ख़ान उसकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की है हमारे ग्रुप का जो पैगाम है लोगों तक पहुँचाने के लिए। और मैंने जब मेरे सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग हुई थी उनमें मैंने यही कहा था कि मैंने कहा था कि जब आप बात करते हैं तो शाइस्तगी का जो दामन है उसको हाथ से ना जाने दिया जाए, अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरता करें, क्योंकि हमारा वतीरा हमारे ग्रुप का जो फेस है वो वल्गर ज़बान नहीं है, गंदी ज़बान नहीं है, अच्छी ज़बान है, शुस्ता ज़बान है। तो हमारा जो पैगाम है, हमारा हमारी शख्सियत है, हमारा हमारी गुफ्तगू है, उसको शस्तगी से खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि वही हमारा तशख़्स है और हम चाहते हैं कि हमारा तशख़्स ख़राब ना हो। एक शेर एक कथा बखर वालों के नाम।
मैं एक दोड़ा अक्सर पढ़ता हूँ, ठीक है, उश्तर है, आपके नाम में भी उश्तर आता है, उश्तर का ही दौड़ा है जी जी जी, जो हमारे मुल्क के हालात की अक्कासी करता है, ठीक है, तो वो मैं आपकी नज़र भी करूँगा और अपने सामीन की नज़र भी करूँगा कि कह सिमत दा कोई अंदाज़ा नहीं, नी सुरत उभार या लाहते हैं, कह सिमत दा कोई अंदाज़ा नहीं, नी सुरत उभार या लाहते हैं, कह झा तू कह बे जा की ते, कह झा छोड़िस कह जाते हैं, कह झा तू कह बे जा की ते, कह झा छोड़िस कह जाते हैं, तन सारा सड़दा बलदा पाए, कल कोई नी भोए या भाते हैं, भाते हैं, सिज उभरे उश्तर सुध पोवे, देखा रुल गए हैं यार आते हैं। रुल गए हैं यार आते हैं। थैंक यू सो मच सर, बखर नेटवर्क को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर रज़ाक खान ठांडला साहब, मैंने इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक हैं, और बखर की तरक्की के लिए, बखर की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, बखर में नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कोशां हैं। इनका कहना था कि सियासत की जाए, सियासत में मुखालफत भी की जाए, अखलाकियात पर, अखलाकियात के दायरे में रहकर की जाए, अखलाक से गिरे हुए अल्फाज को कंडेम करते हैं, जो कुछ जलसों में होता रहा उसकी मुजम्मत करते हैं, और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में बखर के सियासतदान इस तरह के किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचे। हमारी कोशिश हो कि बखर की आवाम की आवाज़, बखर के लोगों की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचाएं, इसी तरह दुनिया तक पहुंचाएं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।